ऐसा योद्धा पैदा होगा जो अमर होगा, वो अमीरों और गरीबों के बीच की दीवार गिराएगा। वो योद्धा मरेगा नहीं, सिर्फ मारेगा। अपन को जब डर लगता है ना, तब अपन बहुत मारता है। मैं आखिरी वार्निंग हूं, जान दे भी सकती हूँ, ले भी सकती हूँ। I love you. कल तो मिले हो। तो प्यार होने में कितना टाइम लगता है? हमारे खेल की भनक अमीरों को लग गई। उनका लीडर था दलिनी। उस शैतान के लिए उसका पैसा ही सब कुछ था। वैसे देखा जाए टाइगर श्रॉफ की हर मूवी एक जैसी लगती है, लेकिन इस बार टाइगर श्रॉफ ने कृति सैनन और अमिताभ बच्चन के साथ कमान संभाल ली है। फ्यूचर में जाके बॉलीवुड को एक नई डायरेक्शन देने की एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जो कि मोस्टली हमें हॉलीवुड मूवीज में ही देखने को मिलता है। और इंडिया में खास करके बॉलीवुड में कोई ऐसा टॉपिक पर मूवी बनाने की सोचता है तो उसका मजाक बनाया जाता है। लेकिन इस बार गणपत मूवी का ये टीजर देखकर फिलहाल तो VFX और एक्शन के मामले में यह एक प्रॉमिसिंग मूवी लग रही है। स्टोरी की बात करें तो फ्यूचर में एक विलन है जो कि लोगों पर अन्याय और अत्याचार कर रहा है। हाँ, वही KGF में जैसे होता है। और अमिताभ बच्चन सबकी हेल्प करने के लिए टाइगर को ढूंढ निकालते हैं हम। और फिर ये स्टोरी कहीं ना कहीं बॉक्सिंग से भी रिलेटेड लग रही है। और बॉक्सिंग और एक्शन, उसमें तो आपको पता है कि टाइगर श्रॉफ नेक्स्ट लेवल है। और बिना एक्शन के तो हम टाइगर की मूवी को इमेजिन ही नहीं कर सकते। टीजर में टाइगर का एक ही डायलॉग है कि जब अपनों पर बात आती है तब अपन की हट जाती है, तो यहाँ पर दुनिया वालों के साथ साथ उसका कोई अपना भी होगा जिसको बचाने के लिए वो ये सब फाइट करने वाला है। मूवी की बरिया, खास तौर फैक्स वगैरह को देखते हुए, इसका बजट 200 करोड़ के आसपास है, जो कि ओबवियसली आदि पुरुष से कंपेयर करे तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कहाँ जाएगा। इसे और आजकल एक्शन मूवीज जिस तरह का बिजनेस कर रही है उसमें 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये मूवी आराम से रिकवर कर लेगी। फिल्म 20 अक्टूबर को 5 languages में रिलीज हो रही है और इस फिल्म को कंपटीशन मिलने वाला है थलापति विजय की लियो से। तो साउथ में तो गणपत मूवी को बहुत बैठा कंपटीशन मिलने वाला है, लेकिन नॉर्थ साइड में ज्यादा कंपटीशन नहीं है। और ये मूवी की स्टोरी अगर अच्छी होती है तो बॉक्स ऑफिस के कॉफी सारे रिकॉर्ड तो ये मूवी तोड़ने वाली है। क्योंकि आजकल अगर एक अच्छी डिसेंट स्टोरी वाली मूवी जो मासेस के लिए बनाई गई है वो बहुत ही तगड़ी कलेक्शंस कर रही है, जैसे कि पठान, गदर 2, जवान, तो इस तरह के कुछ उदाहरण तो आपके सामने है ही। गणपत मूवी में जो फ्यूचर टाइम में हाई टेक्नोलॉजी के साथ इस मूवी को जोड़ा गया है, अगर ये मूवी पे ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पांस आता है तो चांसेस काफी हाई हो जाएंगे इस तरह की मूवीज हमें और बनती हुई दिखे, क्योंकि इस तरह की मूवीज बॉलीवुड में बहुत ही कम बनती है अभी। क्योंकि ये सिर्फ टीजर लॉन्च हुआ है तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेलर में और भी अच्छे विजुअल्स और सीन्स के साथ पेश किया जाएगा, और जिसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी देखनी है या नहीं। फिलहाल तो टीजर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग और अच्छा लग रहा है, खास करके टाइगर श्रॉफ फैंस के लिए तो ये मूवी एक मस्ट वॉच डिलाइटफुल होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है।